मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में वीसी के जरिए जेएनयू हॉस्पिटल की कोविड-19 मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर्स ने सीएम अशोक गहलोत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से लैब के बारे में जानकारी दी। सीएम गहलोत ने कहा कि जेएनयू संस्थान की ओर से संचालित इस लैब का प्रदेश की जनता को फायदा होगा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। देश में आजादी के बाद पहली बार कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस महामारी को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश में तेजी से टेस्टिंग सुविधा को बढ़ाया गया, 15 जगह प्रदेश में टेस्टिंग लैब खोली जा चुकी है। कम समय में ये सब काम करना एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि जल्द ही बाकी बचे हुए जिलों में भी लैब खोलने की तैयारी चल रही है और इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और एसीएस रोहित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। जेएनयू अस्पताल की कोविड-19 मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया वीसी के जरिए। कोविड-19 की जो जंग है उसको विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके आपके इंस्टीट्यूट ने जो भागीदारी निभाई है उसके लिए मैं फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी प्रेजेंटेशन देखा हम लोगों ने, शानदार और व्यवस्था भी अपने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से करी, इसीलिए भीलवाड़ा का मॉडल कोई हमने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिक्लेयर किया था कि भीलवाड़ा एक मॉडल बन चुका है, उसको आधार बना के अन्य राज्यों को भी उसको फॉलो करना चाहिए। उसी प्रकार से कल परसों की मीटिंग के अंदर भी चार जो सिटी है, जयपुर एक उसमें सिटी है जिसमें बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रयास किए गए, कामयाबी हासिल की गई, उसकी तारीफ भी बहुत बड़ी हो रही है देश के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि हम सब